व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस पैल वर्ल्ड। और गाइस आज के वीडियो में गाइस हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। मतलब हर रोज गाइस हम लोग पैल्स वगैरह पकड़ते हैं ना, तो आज गाइस हम लोग पैल्स वगैरह नहीं पकड़ेंगे, बल्कि गाइस आज हम लोग करने वाले गाइस ब्रीडिंग। यानी कि गाइस मैं पैल्स को गाइस यहाँ पे अपने बेस पे गाइस ब्रीड कराने वाला हूँ। ठीक है, ब्रीड बोले तो गाइस जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को पता, तो भाई हम एक मेल और एक फीमेल पैल्स को अगर यहाँ पे रखेंगे तो भाई वो दोनों ब्रीड करके भाई एक एक देगा। ठीक है, जिसके गाइस एक नया पैल्स निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने अपने सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मेरे को एक मेल और एक फीमेल पैल्स को लेके आना पड़ेगा और उसके बाद उन दोनों का ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, और उनके लिए और उनको ब्रीडिंग कराने के लिए गाइस चाहिए मेरे को गाइस केज। ठीक है, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। देख रहे हो यहाँ पे एक मेल पैल्स चाहिए, एक फीमेल चाहिए और मेरे को केक चाहिए भाई। ठीक है, तो चलो पहले मैं मेल और फीमेल पैल्स को यहाँ पे ले कर रख देता हूँ, उसके बाद केक का कहीं ना कहीं जगह बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, तो मेरे बेस पर काफ़ी सारे मेल्स, काफ़ी सारे फीमेल, दोनों पैल्स है यार। तो मैं जाकर देखता हूँ भाई इन लोगों के लिए कौन सा, देखो अगर इनके मैं ऊपर देखूँ तो भाई ऊपर देखूँ तो वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, कौन से मेल है कौन से फीमेल है करके। ठीक है, तो मैं कुछ तगड़े तगड़े पैल्स का ब्रीड कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि एक मेमोरिस्ट हो गया, तो मैं चाहूँ तो मेमोरिस्ट का भी करा सकता हूँ। और मेमोरिस्ट को रख लेते हैं। और मेमोरिस्ट हो गया हमारा मेल, और फीमेल के लिए गाइस अपन रखते हैं इसको रखूँ लूनारी, नहीं नहीं नाइटविंग को रख लेंगे, नाइटविंग को, या फिर कोई और देखते हैं कोई और, जैसे कि अर्जूब भी कर लेगा, सॉरी अर्जूबे भाई जो भी हो वो भी कर लेगा, वो भी एक फीमेल पैल्स है, टिंकिंग भी कर लेगा। तो अपन चलो इसको करते हैं ना, एयरसॉक्स को करते हैं ना। ठीक है, एयरसॉक्स और बूसी करते हैं। ठीक है, एयरसॉक्स और बूसी करें, मेमोरिस्ट करो बूसी या फिर मेमोरिस्ट। चलो पहले मैं मेमोरिस्ट को पहले मैं लेके चलता हूँ ऊपर। ठीक है, तो मेरा मेमोरिस्ट कहाँ गया भाई मेमोरिस्ट? चलो पहले सो जाता हूँ। ठीक है, रात हो गई है तो मैं जाकर पहले सो जाऊँगा। अच्छा, मेमोरिस्ट यहाँ पे जाकर पहले सो जाते हैं, उसके बाद अपन कल जब सुबह होगा तो फिर इन दोनों पैल्स को लेके चलते हैं ऊपर, वो होगा जो ब्रीड कराने के लिए। ठीक है, चलो ये रहा मेरा मेमोरिस्ट, आ रहा भाई मेमोरिस्ट। चलो मेमोरिस्ट को अपन ऊपर लेके चलते हैं। और मेरे को भूख लग रही है भाई काफ़ी ज़ोरों से, तो मैं अगर इसे यहाँ पे रख दूँ तो चलो ये यहाँ पे असाइन हो गया। चलो भाई यहाँ पे गाइज मैंने मेल पैल्स को लेकर रख दिया है, अब मेरे को चाहिए फीमेल पैल्स है। तो मैं नीचे जाकर पहले मैं कुछ खाना खा लेता हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए है भी नहीं। मेमोरिस्ट का है तो मेमोरिस्ट का भाई इतना महंगा क्या खा रहा है, अपन नॉर्मल का ये भी खा लूँगा तो भाई मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलो गाइज ऑल राइट, तो फिर चलते हैं एक फीमेल पैल्स को लेकर आते हैं अपने बेस पे से। मेमोरिस्ट जो कि भाई बहुत ही तगड़ा पैल्स है, मैंने उसको तो रख लिया। और एक फीमेल पैल्स को गाइज मैं किसको रखूँ फीमेल्स में? एयरसॉक्स का क्या कहें, अच्छा ये फायर पैल्स है, फायर टाइप पैल्स पोकेमोन है, तो चलो इसी को रखते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पे एयरसॉक्स वेयर आर यू एयरसॉक्स? ये कहीं ना कहीं पे खाना भी बना रहा होगा शायद से, यही एयरसॉक्स। हाँ ये रहा, क्या कर रहा भाई? चलो भाई इसको लेकर चलते हैं ऊपर, मेमोरीज के पास रख लेते हैं। और उसके बाद अपन केक का गाइस कहीं से बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, केक भी मेरे को बनाना पड़ेगा, वरना केक के बगैर कुछ होगा नहीं। तो चलिए मैं आ गया ऊपर, और यहाँ पे मैं इस पैल्स को मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगा। ठीक है, चलो भाई ये दोनों अब काम पे लग चुके हैं। ठीक है, काम पे लग चुके हैं दोनों। तो मेरे को चाहिए अब केक। ठीक है, मेरे को चाहिए यहाँ पे गाइस केक चाहिए मेरे को, जो कि मेरे को बनाना पड़ेगा। बनाओ या फिर कहीं से लेके आते हैं यार केक वगैरह, कोई अगर बेचता होगा तो मैं उससे खरीद भी सकता हूँ केक। पता नहीं बेच, पहले मैंने देखता हूँ बनाने के लिए चाहिए क्या इसको, केक बनाने के लिए यहाँ पे केक है क्या? यहाँ पे तो केक नहीं दिख रहा मेरे को एक भी। ओ भाई साहब 700-900 भाई साहब कितने सारे हो गए भाई। चलो यहाँ पे मैं साइन करके रख रहा था, यहाँ से केक बन सकता है क्या? हाँ ये रहा केक। तो गाइस केक बनाने के लिए मेरे को चाहिए फ्लोर चाहिए, एक रेड वेरीज तो है मेरे पास, मिल्क चाहिए मेरे पास जो कि नहीं है, एक चाहिए यानी कि अंडे, और हनी चाहिए। तो हनी मेरे पास है, मैं फ्लोर भी बना लूँगा। ठीक है, फ्लोर भी हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं फ्लोर में निकाल लूँगा आराम से। चलो अर्जुन भी यहाँ पे आके काम कर देगा फ्लोर के लिए। और मेरे को चाहिए अब हनी भी है मेरे पास, अंडा चाहिए मेरे को अंडे। तो अंडे के लिए मेरे को मुर्गी को तो मैंने छोड़ दिया है, पर मुर्गी के लिए रेंच नहीं है ना, रेंच बोलते हैं ना इसको, हाँ रेंच नहीं है ना,
इसलिए मुर्गी अंडे नहीं देगी। तो मैं रेंज में कहाँ पे बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ इसको रेंज को इधर ही प्ले इधर ही बना दो क्या रेंज को भी। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं रहेगा ठीक है। अरे मैंने फालतू में मैंने मेगा पैलेस पर वेस्ट कर दिया भाई, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं इसी के ऊपर जो है ना इसी के ऊपर बना दूँ क्या एक मुर्गी का अंडा देने वाला, क्या बोलते हो भाई? इसके इसी के ऊपर बना दूँ मैं एक और, तो मेरे को इसको थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा फटाफट से। मैं इसको बिल्ड इसके ऊपर बनाऊँ या फिर इसके अगर यहाँ तक अगर मैं खींचूँ तो इधर भी बन जाएगा ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर बनाने के बदले मैं इधर ही खींच के इसको बना देते हैं ना। और ये सब जो मैंने रखा है इसको तो तोड़ दूंगा, मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि मैं इसको और थोड़ा खींचने वाला हूँ तो ये सब चाहिए नहीं मेरे को। चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और खींच लेता हूँ इधर, और इधर ही मैं एक रेंच आकर प्लेस कर दूँगा ठीक है। तो ये लोग आके यहाँ पे अंडे वगैरह जो है ना देता रहे, जितना मेरे को अंडा चाहिए भाई मैं इसे निकाल लूँगा ठीक है। मुर्गी भाई अंडा देती है, मुर्गी हमारी अच्छी मुर्गी है। चलो मैं फटाफट से इसको पहले बिल्ड कर लेता हूँ ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रेंज चेक लगा देंगे। शायद से इतने स्पेस में शायद से आई थिंक हो जाना चाहिए मेरा रेंज, देखता हूँ। चलो इतना तो यहाँ पे देखते हैं रेंज हमारा आएगा कि नहीं आएगा। इतने में नहीं आएगा, इतने में नहीं आएगा, थोड़ा सा मेरे को और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मेरे को खींचना पड़ेगा। और देखो तो हमारे पास आगे की साइड पे भाई बहुत सारी जगह है भाई, तो क्यों ना मैं इसको आगे की साइड पे खींच लूँ यार। मतलब आगे भाई इतनी सारी जगह है भाई, तो मैं इसको आगे के साइड पर खींचूँगा और थोड़ा ठीक है। ये देखो भाई आधा आधा तो भाई पानी में है भाई, हमारा पूरा घर भाई आधा तो पानी में है, तो मैं उधर खींचने के बजाय मैं इधर ही खींचता हूँ इसको ठीक है। थोड़ा अभी मैं उतना डेकोरेशन वगैरह इसको नहीं करूँगा ठीक है, मैं बस यहाँ पे रेंज को जो है ना प्लेस कर देता करना चाहता हूँ बस ठीक है। फिर उतना ही करेंगे अपन डेकोरेशन वगैरह के लिए, बाद में करेंगे अपन डेकोरेशन ठीक है। अभी मैं सिर्फ रेंज वगैरह लगा लेता हूँ यहाँ पे, इतना से हो जाएगा क्या? आई थिंक इतना से हो तो जाना चाहिए। इतना मैं लगा के देखता हूँ मेरा रेंज आता है कि नहीं रेंज। चलो आ जाएगा, बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया, ये एक नंबर भाई। चलो रेंज हमारा आ गया यहाँ पे, लुनारिस कहाँ गया? लुनारिस को काम करवाएंगे तो भाई एक झटके में काम करते हैं भाई। लुनारिस भाई का हैंडी वर्क के लिए भाई बेस्ट है भाई, लुनारिस भाई इतनी जल्दी काम करता है, देख रहे हो लुनारिस भाई कहाँ 2 मिनट और कहाँ 10-15 सेकंड यार बताओ। चलो बढ़िया गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक ये लगा दिया ठीक है, हाँ मैंने अपना बना लिया। और ये मेरे को यहाँ पे गाइस उसको आकर छोड़ना पड़ेगा, जो हमारा चिक्की वगैरह है ठीक है, उसको आकर मेरे को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे आके अंडे वगैरह दे। तो मेरे बेस पे मैंने पता नहीं एक चिक्की तो छोड़ा है, मैं एक और चिक्की को छोड़ देता हूँ ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे चिक्की है। चलो कहाँ गया चिक्की? अयो चिक्की इधर, चिक्की। चलो ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं? चलो ग्रेजिंग करने के लिए जा रहे हैं, बढ़िया भाई। हमारा पैर समझदार है यार, देख रहे हो भैया, एकदम समझदार पैर से यार। चलो आ जाओ चिक्की, इधर आ जाओ आज अच्छा कि तुमसे मेरे को अंडे चाहिए कैसे भी करके। ओ भाई ये तो इधर ही काम पे लग गया। चलो अब यहाँ पे मेरे को अंडे वगैरह दे देगा आराम से। निकाल भाई अंडे निकाल, मुर्गी अंडे निकाल, मुर्गी अंडे निकाल, अंडे निकाल। मैं तो निकाल ही नहीं रहा भाई अंडा, थोड़ा टाइम लगेगा इसे। चलो कोई बात नहीं, मैं हम इसका टाइम देते हैं। और मेरे पास एक 18 लेवल का भी चिक्पी है, तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा ठीक है इधर ही बेस पे, तो वो भी जाके देने लग जाए अंडे वगैरह। 18 लेवल का मेरा चिक्पी कहाँ गया? ये तो 7 लेवल का है, 18 लेवल का भी चिक्पी था मेरे पास, 18 लेवल का चिक्पी कहाँ गया? कहाँ पे रख दे भाई मैंने उसे 18 लेवल का चिक्पी को? मेरा 18 लेवल का चिक्पी गायब हो गया, कहाँ पे चला गया भाई मेरा 18 लेवल का चिक्पी? ये देखो भाई मैं इसको 18 लेवल के चिक्पी को कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, और ये देखो कहाँ पे है भाई, ये देख रहे हो इसको, ये यहाँ पे है भाई। तो चलो मेरा 18 लेवल का चिक्पी भी मिल गया मेरे को, तो इसको भी मैं बेस पे छोड़ दूंगा ताकि ये भी अंडे देना स्टार्ट कर दे। कहाँ गया मेरा 18 लेवल का चिक्पी? मैंने इधर रखा था, ये रहा 18 लेवल का चिक्पी। तो मैं इसको किसके बदले में छोड़ दूँ? मैं इसको अर्जुन के बदले में छोड़ देता हूँ ठीक है फिलहाल के लिए। कहाँ गया? ग्रेजिंग करने के लिए जा। चलो जा रहे हैं वैसे ग्रेजिंग करने के लिए। चलो बढ़िया,
अब मैं यहाँ पे मेरे को ये भी दे दिया, मेरे को फ्लोर फ्लोर मेरे को पता नहीं कहीं पे रख दिया है शायद से फ्लोर, आई थिंक पैल्स ने कहीं पे रख दिया होगा फ्लोर। चलो बढ़िया, पैल्स ने रख दिया तो बढ़िया है। अब मेरे को चाहिए हनी वगैरह भी चाहिए, हनी तो है मेरे पास बहुत सारे, मेरे को चाहिए अब क्या चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को देखता हूँ शेप के लिए और क्या क्या चाहिए मेरे को। मिल्क चाहिए, एग चाहिए और फ्लोर, फ्लोर नहीं है, फ्लोर कहाँ गया भाई, मेरे फ्लोर यहाँ बनाया था भाई बहुत सारे फ्लोर। व्हाट इज दिस यार, वेयर इज माय फ्लोर, कहाँ गया मेरा फ्लोर भाई, कहीं इन लोगों ने खा तो नहीं लिया भाई कुछ से, क्या पता भाई इन लोगों ने खा लिया होगा, जैसे मेरे को पता है इन लोगों ने खा लिया और कुछ नहीं, इन लोगों ने खा लिया भाई फ्लोर को और कुछ नहीं भाई, गलत बात है यार, मैंने यहाँ पे काम पे लगाया भाई, तुम लोगों ने खा लिया भाई फ्लोर को, मेरे को उसके लिए फिर से मेरे को ये सब खरीदना पड़ेगा यार। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले मिल्क का भी, मेरे को मिल्क भी मेरे पास नहीं है ना, तो मिल्क भी मेरे को मैं पहले देखता हूँ कौन से पैल से हमारे मिल्क देते हैं, ठीक है, कौन से पैल से मेरे को मिल्क वगैरह मिलेगा, कहाँ से देखते हैं, इधर से देखते हैं ना, अच्छे कहाँ से देखते हैं कौन से पैल से मेरे को मिल्क मिल सकता है। चलो हाँ ये रहा, तो लैम्बल, तो लैम्बल से नहीं मिलेगा, एग तो इससे मिल जाएगा, लीफ मंक से भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, ट्रेन से भी नहीं मिलेगा, रोबी से भी नहीं मिलेगा, पेंगुलेट से भी नहीं मिलेगा, पेंगुइन से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, जोत करके है जोल थी इससे भी नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा मेरे को मिल्क, मिल्क मिलता है कहीं ना कहीं मिलता है मेरे को पता है, मैंने और मैंने एक दो बार मैंने लिया भी है शायद से मिली, आई थिंक तो पता नहीं शायद से मैंने खुद से मैंने खा लिया मिल्क को। मिल्क लेने के लिए भाई मेरे को बहुत ढूंढना पड़ेगा यार मिल्क के लिए पैल्स को, क्योंकि भाई यार मेरे को कोई पैल्स दिख नहीं रहा जो कि मिल्क दे मेरे को। अच्छा ये गन पाउडर देता है, ओके गन पाउडर भी चाहिए हमें, हाँ ये रहा ये रहा, ये वाला पैल्स देता है भाई, ये वाला पैल्स देता है भाई मिल्क, मेरे को पता है कैप्चर काउंट एक, ओके ओके चलो बढ़िया भाई। तो मैंने शायद इस पैल्स को मैंने पकड़ा है यार, आई थिंक यार जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैंने इस पैल्स को पकड़ा है यार, एक ना एक बार मैंने पकड़ा है भाई, मैं एक बार अपने पैल्स बॉक्स में देखता हूँ ठीक है, क्योंकि शायद से मैंने इस पैल्स को पकड़ा है ऐसा लग रहा है मेरे को, शायद से मैंने पकड़ा है इस पैल्स को, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, हाँ ये रहा मैंने बोला था मैंने इस पैल्स को पकड़ा है यार, तो इससे मैं मिल्क में कैसे निकल पाऊँगा, इसको मेरे को मारना पड़ेगा क्या, नहीं मतलब बगैर मारे मैं इसको मिल्क नहीं निकल सकता हूँ क्या, बगैर मारे इस, चलो अंडे तो दे दिए भाई, अंडे तो दिए भाई किसी ने, यहाँ पर मुर्गियों ने अंडे तो दिए भाई बहुत सारे, और भाई साहब काफ़ी सारे अंडे होगा भाई, काफ़ी सारे अंडे होगा, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक चेस्ट बना देता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक चेस्ट बना दूँगा और इसी चेस्ट में मेरा सारा अंडा जो है ना आ जाएगा इधर ही, मैं यहाँ पे चेस्ट बना दूंगा। चलो बढ़िया, चेस्ट मेरा बन गया और मैं इसी में जाए अंडे वगैरह जाकर रख लूँगा, और अगर इस पैल्स को मैं छोड़ूँ यहाँ पे, नहीं इसको मैं छोड़ूँ यहाँ पे, तो क्या ये भी मिल्क देगा क्या, मिल्क इसके, इससे मैं मिल्क कैसे निकालूँ, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इससे मेरे को मिल्क चाहिए कैसे भी करके, मेरे को इससे मिल्क चाहिए, तो मिल्क मैं कैसे निकलवाऊँ इससे, पता नहीं यार कैसे निकलवा रहे इसे मिल्क, या तो मेरे को इसको मारना पड़ेगा, एक बार मैं इसको बेस पे छोड़ के देखता हूँ ठीक है, बेस पे छोड़ के देखता हूँ ये क्या 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 करता है बेस पे, ठीक है, तो मेरा अगर मैं पार्टी पे जाऊँ तो इसका फार्मिंग पे है ठीक है, फार्मिंग का है, और ये और मेरा चिकपी किस पे, चिकपी भी शायद फार्मिंग में है ना, आई थिंक चिकपी भी फार्मिंग पे है, फार्मिंग के वो भी है, तो इसके लिए मेरे को शायद कुछ अलग से फार्म बनाना पड़ेगा आई थिंक, तभी जाकर मिल्क मेरे को देगा वरना नहीं देगा शायद से, तो मैं काम करूँगा और वो काम मैं ये करूँगा कि मैं लीफ मंग तो मेडिसिन वगैरह बना रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं मेरा जो पैल्स है ना मैं इसको एक इसके बदले में रख लेता हूँ ठीक है, मिल्क मेकर पर मिल्क बनाए, अरे ग्रेजिंग तो कर रहा है पर कहाँ जाया करेगा ग्रेजिंग, रेंच में जाया करेगा क्या भाई, रेंच में जाया करा तो मज़ा आ जाएगा यार, लोग ग्रेजिंग तो कर रहा है ये, इधर जाके ग्रेजिंग तो कर रहा है,
लोकेशन का। भाई साहब इसकी शक्ल देखो भाई, अंडा दे रहा है शायद, ये अंडा दे रहा है। हाँ दे दिया भाई इसने अंडे। चलो चलो भाई दे दिया भाई फाइनल भाई इसने अंडे, बहुत सारे अंडे हुए हमारे पास। क्या बात है, बढ़िया भाई। ये भी ग्रेजिंग कर रहा है भाई। दे दे भाई, तेरे से मिल्क चाहिए यार, मेरे को मिल्क चाहिए भाई। निकाल दे भाई एक मिल्क भी चाहिए, निकाल दो एक मिल्क भी सही निकाल दो। चिक्पी भाई कितने जल्दी जल्दी अंडे दे रहे हैं, पर ये नहीं दे रहा, देख रहे हो काफ़ी कंजूस है भाई ये, नहीं दे रहा मेरे को एक भी मिल्क। वो दे रहा है निकाल दे भाई एक। हाँ हो गया दे दिया। क्या बात है भाई, मिल्क भी मिल गया भाई हमें। बढ़िया भाई मज़ा आ गया। चलो मिल्क भी मिल गया मेरे को, मेरे को मिल्क अब और चाहिए, ठीक है। तो चलो मिल्क का तो टेंशन नहीं है, धीरे धीरे करके दे देगा मिल्क, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अपन देखते हैं अपन अब क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत हाई सही, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई टास्क पे, कुछ ज़्यादा ही लगा दिया भाई मैंने टास्क। मैं काम करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और कैंसिल करके मैं इसको इधर ही रख देता हूँ रेड बेरीज को। मेरे पास वीट का फार्म भाई बहुत ज़्यादा कम है, मेरे को वीट का फार्मिंग थोड़ा करना पड़ेगा। देखो वीट भी नहीं है मेरे पास वीट भी नहीं है। तो वीट मैंने कहाँ पे रखा है, ये तो रेड बेरी का हो गया। वीट मैंने शायद से आई थिंक ऊपर की साइड पे यहाँ पे रखा, आई थिंक मैंने वीट कुछ रेड बेरीज वगैरह इन लोगों ने नीचे छोड़ दिया। वीट मैंने शायद से यहाँ पे रखा आई थिंक। हाँ ये रहा वीट का, इसको मेरे को वाटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वाटरिंग वगैरह करके यहाँ से कैसे मैं करता, चार पाँच मेरे को चाहिए वीट, सॉरी फ्लोर चाहिए मेरे को। तो पाँच फ्लोर निकाल के और फिर केक बनाते हैं यार, ठीक है। चलो ये वीट, चलो भाई सब वीट तो मेरे पास आ गया होगा शायद से। ये लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे वीट को भाई, हाँ ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वीट को। चलो 10 वीट आ गया मेरे पास, बढ़िया भाई। 10 वीट आ गया गाइस मेरे पास फाइनली। अब वो समय भाई काफ़ी ज़्यादा करीब है जब हम लोग 2 पैसे गाइस कराएंगे पीरियड। ओ भाई साहब अभी तो 3 ही हुआ भाई, कितना ज़्यादा चाहिए भाई इसके लिए। ओ माय गॉड यार बहुत ज़्यादा चाहिए भाई। मेरे को यहाँ पे कुछ अर्जुब वगैरह यहाँ पे मेरे पास नहीं है क्या, कोई भी नहीं है मेरे पास। तो मैं एक वाटर टाइप पोकेमोन को उठाता हूँ यहाँ से। ये रहा वाटर टाइप, चिलेट भी पानी फेंकता है ना, नहीं चिलेट नहीं फेंकता, अर्जुब फेंकता है, सॉरी चिलेट कहाँ गया, अर्जुब, वेयर इज माय अर्जुब। ये भी पानी फेंक लेगा आराम से, तो मैं इसी को रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये फेंक लेगा तो मैं इसी को रख लेता हूँ, ये धीरे धीरे फेंक का पता है पर फेंक लेगा ये भी। और मैंने शायद यहाँ पे एक गलती कर दी, और वो गलती ये है कि मैंने ट्रांसपोर्ट विथ टैल्स कर दिया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए। अलाउ ट्रांसपोर्ट विथ बाई पैल्स, और नहीं पैल्स फिर से लेके चला जाएगा इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मेरे को एक बार और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्लान तो कर रही है, ठीक है, मैं भी इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। प्लान तो हो गया, मेरे को वाटर चाहिए बस। वाटर के लिए यहाँ पे कोई पैल्स आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अपन खुद से वाटरिंग कर लेंगे यार, इतना भी क्या है। सारे पैल्स हमारा आराम कर रहा है, काम कर 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 थक गया है ना, सारे पैल्स हमारा आराम कर रहा है। चलो करने दो इन लोगों को। चलो भाई वाटर भी गाइस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वाटरिंग फेज भी। अब ये ग्रोथ होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा सर। चलो यहाँ पे मेरा फ्लोर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। चलो मैंने 3 फ्लोर तो उठा लिए, मेरे को थोड़े से फ्लोर बस और चाहिए मेरे को, और उसके बाद फिर हमारा काम गाइस हो जाएगा। चलो ये तो बढ़ रहा है हमारे पास गाइस ऑलमोस्ट, गाइस सब कुछ मिल गया सिर्फ एक वीट के अलावा, ठीक है। वीट भी बहुत जल्दी मिल ही जाएगा हमें, उसके बाद अपन गाइस बना लेंगे फिर केक भाई, ठीक है। फ्लोर चाहिए हमें, हनी भी है हमारे पास। हनी पता नहीं मैंने पहले कैसे तो लिया है, मैंने ऐसे एक्सप्लोर करने गया था तो एक पैल्स को मारा तो भाई हनी मिल गया, हनी बी को मारा होगा मैंने, हाँ हनी बी को ही। ठीक है भाई, ये बीच में पेड़ वगैरह किसने छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, बढ़ जा भाई जल्दी जल्दी बढ़ जाओ। तब तक मैं सामान वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना, ठीक है। हाई क्वालिटी पेलवल वगैरह है यहाँ पे, मेडिसिन वगैरह मेरे कहा भाई यहाँ पे भाई, ये उड़ वगैरह कौन रखता है भाई, पागल इंसान हो भाई मैं भी। यहाँ पे मैंने चलो रख ही देते तो मैं रख दिया है भाई, तो रखो जाओ भाई। तो मेरे
चलो मेरे को वीट का मेरे पास प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है ना, तो मेरे को वीट का प्लांटेशन मेरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वीट भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब एक तरीके से मैंने है ही नहीं, बस सिर्फ एक ही है मेरे पास वीट का प्लांटेशन। चलो यहाँ पे भी काफ़ी सारे मैं ऊड भाई ऊड मैंने कुछ ज़्यादा ही मैंने रख लिया भाई, मतलब इधर देखो भाई ऊड स्टोन भाई मेरे को मिलता ही रहता है, इधर देखो भाई ऊड और स्टोन मिलता ही रहता है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे तो ऊड वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैं सीड वगैरह रखा है, मेरे को यहाँ पे भी ऊड वगैरह तो इस इधर ही रख लेते हैं ऊड में। और मैं हॉर्न वगैरह हो गया तो हॉर्न को भी लेकर दूँगा मैं, लेदर वगैरह मेरे पास होगा शायद से, आई थिंक लेदर को भी रख दूँगा इधर ही, और तो कुछ नहीं, बस इतना ही। चलो मेरा शायद से आई थिंक ये बढ़ गया होगा, मतलब ग्रोथ हो गया होगा शायद से, हो जाना चाहिए अभी तक तो। कितना स्लो हो रहा है भाई, हो गया ऑलमोस्ट, हो गया ऑलमोस्ट, हो गया भाई ऑलमोस्ट, हो गया। उसके बाद अपन इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा रहा है, मेरा ट्रेंच भी आ गया भाई काम करने के लिए, कहाँ गया ट्रेंच, ज़्यादा भाई ट्रेंच ज़्यादा पता नहीं कहीं, ये कहीं ना कहीं से तो काम कर रहा है। ठीक है, ये रहा, ये दोनों आ गए। चलो वैसे मेरे को 10 वीट यहाँ से और मिल गया, बढ़िया भाई। अब मैं 10 वीट को जाके यहाँ पे लगा दूँगा और फिर भाई हमारा काम फिर फिनिश। चलो यहाँ फ्लोर बनाने के लिए मैं लगा देता हूँ, 3 फ्लोर बन जाएगा मेरा आराम से। चलो भाई, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, काम पे आते ही लग गया। और जैसे मेरा फ्लोर बन जाएगा वैसे हम लोग गाइस केक को फटाफट से बना लेंगे, उसके बाद चलते हैं भाई ऊपर ब्रीडिंग फार्म पे। ठीक है, चलो चार तो हो गया मेरे पास फ्लोर, एक फ्लोर और चाहिए, एक फ्लोर मेरे को और चाहिए, और ये मेरा काम हो गया भाई। चलो अब यहाँ से मैं फटाफट से मैं केक बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो केक, पैनकेक नहीं चाहिए मेरे को, केक चाहिए सिर्फ, केक चाहिए सिर्फ। ओ भाई साहब, इसका न्यूट्रिशन कितना है वैसे भाई साहब, 600 न्यूट्रिशन है भाई, 656 न्यूट्रिशन है भाई, देख रहे हो। और सैन भाई 82 का देता है भाई, तभी तो भाई इतना तो चाहिए ना। और इसको पकाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, पता है मेरे को इसको पकाने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, देख रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं खुद से काम क्यों करूँ, जब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे पैसे, तो मैं खुद से काम क्यों करूँ। और मैंने शायद कहीं फायर टाइप पोकेमोन को मैंने नहीं भेज दिया ना ऊपर, फायर टाइप पोकेमोन को कहाँ गया मेरा, एक फायर टाइप पोकेमोन था ना ये है शायद से, अरे हाँ मैंने इसी को शायद से ऊपर मैंने भेज दिया है ब्रीड कराने के लिए, तो ये मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा खुद से। या फिर मेरा फॉक्स भी है ना, फॉक्स भी है ना मेरे पास, कहाँ गया मेरा फॉक्स। वैसे भूसी का भी तो काम सही है, भूसी से क्यों ना करा लो, मैं भूसी से क्यों ना करा लो, भूसी कहाँ गया भूसी, अयो भूसी यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़रूरत है भाई, यहाँ पे भूसी। अभी ये कौन आ गया, ये सो गया भाई तो इधर ही। चलो भाई इधर आकर तुम खाना बना दो मेरे लिए फटाफट से। चलो भाई सब ये भाई बना देगा, मैं भी इसकी थोड़ी सी मजा तो करता था भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई केक को बनाने में, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। तो लगा मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है उसके बाद अपन मिलते हैं फिर। तो भाई देखो यहाँ पे भाई मेरा केक ऑलमोस्ट बनने वाला है, ठीक है मतलब ऑलमोस्ट बन चुका ही है। और इसको देखो भाई, ये मेमोरीज भाई मेरे बेस पे क्या करने के लिए आ गया भाई, क्या करने के लिए आया भाई तू, कसम से मेरे सारे पैल्स मिल के मारेंगे ना भाई, एक मिनट के अंदर इसका भरता बन जाना भाई, मतलब अबे तू घर के ऊपर चढ़ने वाला है क्या भाई, कसम से मैंने ये करके अगर अटैक एग्रेसिवली कर दिया ना भाई, भाई स्पेल्स का भरता बन जाएगा भाई, अभी भरता बन जाएगा भाई इसका। क्या करने के लिए आ गया भाई ये पैल्स यहाँ पे, ये मेमोरिस्ट भाई, इसको मैं मार डालूँगा सच में भाई, पर अगर इसको मारने गया तो भाई बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देगा भाई, मेरे पूरे बेस को ख़राब करके रख देगा। चलो भाई फाइनली यहाँ पे मेरा केक भी गाइस बन चुका है, देख सकते हो गाइस आप लोग, केक बन गया भाई फाइनली गाइस, केक बन गया भाई। ठीक है, अब चलो भाई मैं चलता हूँ भाई सीधा ऊपर, मैं इधर से शॉर्टकट लूँगा ना, अरे चलो ये गाइस हमारा शॉर्टकट का रास्ता कुछ कैजुअल है गाइस। ठीक है,
चलो भाई सब यहाँ पे गाइस फाइनली मेरा सब कुछ रेडी हो गया है। ये लोग काम पे लग गए हैं पर कुछ काम कर नहीं रहे क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे इन लोगों को भाई केक जो इन्हें रख देता हूँ यहाँ पे। अब देखा है लोग ब्रीड देखे लोग क्या क्या करते हैं लोग। दे दिया क्या इन लोगों ने अंडा दे दिया क्या? ओ भाई दे भी दिया भाई दे दिया भाई एक लार्ज डार्क एक दे दिया भाई एक। क्या बात है भाई कुछ किया भी नहीं इन लोगों ने भाई ऐसे ही दे दिया हुआ मेरे को ना कुछ करेंगे भाई ये लोग। चलो भाई कोई बात नहीं भाई अंडा देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई इन लोगों का। चलिए मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक अंडा रखा था वो इंक्यूबेट हो गया है तो मैं इसको निकाल के चलो नाइट विंग ने जन्म ले लिया भाई। चलो बढ़िया भाई मैं यहाँ पे हमारा ये लार्ज टेम्प एग गाइस रखते थे देखते भाई क्या निकलता है गाइस इससे। ठीक है इसको भाई 7 मिनट टाइम लगेगा ठीक है तो हम लोग इसका गाइस टाइम देते हैं इनको। और मेरे को भाई कसम से मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई मेमोरिस्ट पे भाई मेरे बेस पे आके भाई पूरा तहस नहस करने लग गया। तो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है गाइस और वो काम मैं ये करूँगा कि मैं क्यों ना गाइस मेमोरीज के हाइड कराएगा गाइस ठीक है मेमोरीज के भाई एक मेमोरीज के दूसरे में मेमोरीज से फाइट कराएगा गाइस। क्या बोलते हो ये देखो 31 लेवल का पहले से ये बॉस ये दोनों मैंने बॉस मेमोरीज को पकड़ा है ठीक है ये दोनों मेरा बॉस मेमोरिस्ट है। तो मेमोरिस्ट को तो भाई ये हाथी दोनों हाथी और एक कहाँ गया मेरा ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन मेरा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन कहाँ गया ये रहा यूनिवोल्ट एक यूनिवोल्ट रख लूँगा और एक और यूनिवोल्ट रख लेता हूँ ठीक है और एक और यूनिवोल्ट रखने के बाद मैं क्या रखूँ और कुछ मेरा भी दिख नहीं रहा और क्या रखूँ मैं और मैं यहाँ से भाई इस पैल्स चलो इतने पैल्स के लेके चल के फाइट कराता है ठीक है जब तक फाइट होगा तब तक वो भी मतलब वो एक भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद देखते भाई क्या निकलता है उससे। आजा भाई आते के बच्चे डरते नहीं भाई इस बार मेरा टाइम पास हो जाएगा ऐसे भाई मैंने हाथी को मैं एज अ टाइम पास यूज कर रहा हूँ देख रहे हो। मेरे पास मेगा स्पेयर पहले मेरे पास हाइपर स्पेयर तो नहीं है भाई तो शायद से पकड़ में ना आए आई थिंक भाई मारना भाई क्या कर रहा है अबे इसको मैंने शायद अबे कमांड डू नॉट अटैक मैंने कर दिया सॉरी गलती से अभी मारेगा ये दिया भाई ओहो भाई तगड़ा भाई मारता है ना भाई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन में मज़ा आता है भाई देख के भाई दिल को सुकून मिलता है भाई मेरे को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का हमला देख वो टीयर का डैमेज दिया भाई क्या बात है इसको तो भाई मैं इतना मारूंगा ना भाई पॉइजन से मार देना भाई मेरे को पॉइजन से ही मार देना भाई इसको। हाँ था भाई बॉस मेमोरीज किसी टाइम पे भाई मैं डरता था भाई इस स्पेल से सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा डर लगता था भाई मेरे को किसी टाइम पे इस स्पेल से। अभी तो भाई कुछ नहीं है भाई क्या है भाई मेमोरीज तो है क्या भाई और भैया तेरी इतनी हिम्मत भाई तेरी मेमोरीज 3500 के हेल्थ पे आ गया फिर भी इसकी अकड़ देख रहे हो भाई साहब इसके करंट लग गया भाई इसको करंट लगाए जा रहे हैं। ओ भाई साहब मेरे डेंजर में है तो मैं अब दोनों हाथी को छोड़ता हूँ ठीक है दोनों हाथी एक दूसरे से फाइट करेंगे जा भाई मेरे हाथी से जाकर लड़ भाई इसकी तो भाई मैं पता नहीं इसको पकड़ पाऊँगा या नहीं क्योंकि मेरे पास पैलेस स्पेयर भाई हाइपर पैलेस स्पेयर नहीं है पता नहीं मेगा पैलेस स्पेयर से आएगा भी या नहीं आएगा ये मेगा पैलेस भाई साहब कितना 2300 का हेल्थ कर दिया भाई। अब तो भाई इससे फाइट करना इजी पीजी लगता है मेरे को मेमोरी से फाइट करने के लिए देख रहे हो तो मेरे को मार मेरा पैल तेरे को पीछे से मारेगा। ओहो भाई साहब दो एक हाथी और एक इवनी बोल्ट भाई आराम से मारने के लिए काफ़ी है भाई इसके लिए मैंने इसको डैमेज भी नहीं पड़ रहा पॉइजन का डैमेज भी नहीं पड़ रहा मेरे को। ये ले भाई एक और भाई मेरे पास में मत है मैं चिक्पी को छोड़ के देखो क्या है चिक्पी की औकात है क्या इसको मारने के लिए देखो जरा मैं चिक्पी को एक झटके मैंने कहीं मार दिया भाई इसको भाई साहब एक झटके में मार दिया भाई मैं दोबारा तक नहीं यूनिवर्ट मैं दूसरे यूनिवर्ट को छोड़ता हूँ ना मैं
ये तगड़ा डैमेज होता है यूनी बॉल। चलो जा भाई मारिश, मार 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 मार, तगड़ा वाला मार भाई। एकदम मेरे को टारगेट कर रहा है। टी8 का दिया भाई, 13 का भाई, क्या बात है। कहाँ अभी अभी इसको पॉइजन का थोड़ा पकड़ा है ना, अभी थोड़ा पॉइजन का थोड़ा खर्चा पड़ रहा है ना अभी। और रे भाई साहब करंट लगा दिया भाई इसको, पूरा करंट ही करंट भाई। खींच लूँगा भाई तेरे तो, तेरे टोर्नाडो, तेरे टोर्नाडो अटैक के मैं चपेटे में आने ही नहीं दूंगा अपने बैच को। फिर से करंट देगा इसे, दिया भाई। भाई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन कुछ भी कहो भाई, मज़ा आता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। ओ हो भाई तगड़ा वाला, 500 से भी ऑलमोस्ट भाई 600 का हेल्थ है इसका, 599 का आ गया भाई इसका हेल्थ। ओ भाई अब तो गया भाई, पर इसको मेरे को पकड़ना है, ठीक है इसको मेरे को कैसे करके पकड़ना है भाई। पकड़ मर भी जाएगा भाई कोई कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मेरे को पकड़ना ही कैसे करके। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया भाई 200। अब मैं इसको आराम से ऐसे ऐसे करके भी मार दूँगा इसको, किसी भी बात नहीं। ये तो भाई 13 कड़े में फिर से, 13 कड़े में फिर से पॉइजन का ये पड़ेगा, थोड़ा डैमेज पड़ेगा पॉइजन का। भाई फिर से अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई, तेरा हेल्थ ऐसे भी कम है, मैं ऐसे तेरे को मज़े 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 से मार रहा हूँ ताकि तू मरे नहीं बस, और कुछ नहीं। 19 एरो है मेरे पास, 19 एरो में क्या इसको मार पाऊँगा भाई, मतलब पकड़ पाऊँगा क्या मैं भाई। मेरे इतने पास की बार है भाई, इतने पास की बार है भाई, मेरे पास की बार है भाई, पास होता भाई, पास मत आ भाई। 118 का हेल्थ भाई, तेरे से डरता नहीं है भाई अपन। अभी अपन के बाद भाई तगड़े वाला हथियार हो गए ब्रो। अबे अबे भाई जा, भाई ज़्यादा पास में मत आइयो, अगर मैं अपने पैर को छोड़ा भाई तो पूरा मार देगा भाई ये, क्योंकि उसका हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ये लगे 22 का एक और डैमेज भाई साहब। अबे अबे मेगा स्पीड भाई, कुछ कुछ किया ही नहीं। अबे मेरा शील्ड वगैरह सब कुछ छोड़ दिया भाई इसने, शायद से मेरे को मारना पड़ेगा भाई इस भाई ने, मेरे को मारना पड़ेगा भाई शायद से, क्योंकि मेरे को कैप्चर रेट है ही नहीं भाई, इसके लिए हाइपर स्पेयर ही चाहिए, और मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया, हाइपर स्पेयर ही चाहिए मेरे को, पहले स्पेयर से भी नहीं आएगा। बस पहले का तो भाई 0 कैप्चर रेट है, अब मेरे को भाई इसको मारना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता भाई तेरा। ये ले भाई गया, अरे 7 का हेल्थ बचा है, 7 का हेल्थ में भी 0 का कैप्चर रेट है। चलो भाई अब इसकी अंतिम अंतिम दिन आ गया भाई मरने के लिए। और अरे भाई एक थर्ड ईयर के बीच में क्यों क्यों लपेट लिया भाई इसे, इसने क्या बिगाड़ा था भाई तेरा। चलो भाई सब गया, गया भाई गया, कुछ कुछ नहीं कर सकता भाई अब, मेरे पास हाइपर स्पेयर नहीं है भाई, ये निकलेगा ही नहीं। चलो ठीक है बढ़िया, कोई बात नहीं, एक पैल्स मर गया था भाई कोई बात नहीं। मैं जाके उससे मेरे को चेक करना है कि वो अंडा जो दिया है भाई उससे भाई कैसा पोकेमोन निकलता है, ठीक है किस टाइप का पोकेमोन निकलता है। और रे भाई ऊपर चढ़ ही नहीं पाया, कोई बात नहीं मैं यहाँ से चढ़ जाऊँगा ना। कहाँ गया मेरा सीढ़ी, मेरा सीढ़ी कहाँ गया, ये रहा मेरा सीढ़ी, मैं यहाँ से चढ़ जाऊँगा ऊपर, और ऊपर जाकर देखते भाई मेरा इंक्यूबेट हुआ कि नहीं अभी तक, इंक्यूबेट हो जाए तो अच्छा है। चलो भाई सब फाइनली इंक्यूबेट हो चुका है, यहाँ से देखते भाई कौन सा पैल्स निकलेगा, क्या लगता है गाइज कौन सा पैल्स निकलेगा यहाँ से, लार्ज डार्क एक से गाइज कौन सा पैल्स निकलेगा, क्या पैल्स वो मतलब पुराना वाला पैल्स से कुछ निकलेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है देखते यार। चलो मैं तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ओ भाई साहब सोस्टर, सोस्टर भाई सोस्टर, कुछ नया पैल्स निकला गाइज, कुछ नया पैल्स निकला भाई, कुछ नया पैल्स निकला भाई यार, क्या बात है यार। उधर को मैं यहाँ पे अंडे वगैरह इन लोगों ने दिया है तो वो सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। मिल्क कहाँ गया भाई, मिल्क तूने दिए, अभी तूने मिल्क दिया क्यों नहीं यार अभी तक, बड़ा बदतमीज है, मिल्क दे नहीं रहा यार, ये मिल्क दे दे यार। चलो कोई बात नहीं, सोस्टर करके पैल्स निकला, देखते भाई उस पैल्स की एबिलिटी क्या है यार, देखते भाई उस पैल्स की एबिलिटी क्या है गाइज। ओके सोस्टर, वेर आर यू सोस्टर,
सोस्टर सोस्टर पैल बॉक्स में ही गया होगा वैसे तो। ये रहा, नहीं नहीं ये रहा, हाँ भाई सब ये रहा भाई सोस्टर सोस्टर भाई भाई ये तो कुछ भाई ये तो ऑलराउंडर पैल्स है भाई। हैंडी वर्क भी इसका 200 का है, मतलब दो लेवल का है। माइनिंग भी अच्छी खासी कर लेता है और भाई फायर के लिए तो भाई 3 लेवल का पैल्स है ये। क्या बात है भाई, क्या बात है यार। मेरे को मैं पहले अपने चिक्पी को भाई यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सोस्टर को भाई निकालते हैं अपन। क्या हेल्थ कितने गए वैसे? अरे हाथी को नहीं भाई, सोस्टर को निकालना था मेरे को। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई ये क्या प्यास है भाई। ओ माय गॉड भाई सोस्टर इस ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर है भाई ये, ऑलराउंडर है भाई ये। इस पर अच्छा अच्छा यहाँ पे भाई ऑलराउंडर पैल से भाई ये इसका देख रहे हो सोस्टर का कैंडलिंग है भाई, यानी कि जो खाना वगैरह बना रहेगा भाई 3 लेवल का। हैंडी वर्क भाई जहाँ पे हाथ का काम रहेगा भाई वहाँ पे भी 2 लेवल का। माइनिंग के लिए भी भाई 2 लेवल का है वो भाई सर। गैदरिंग के लिए 1 लेवल का भाई। मैंने कौन से पैल्स को मिला के बनाया भाई देखो ज़रा। और ये पैल्स मेरे या तुम मेरे देखो, ये पैल्स तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं मेल है, मेल पहले, सॉरी मेरे को देखना नहीं, मेल पहले ये। क्या बात है भाई, मैंने कौन से पैल्स को मैंने मिला के बनाया था। एक तो मैंने हाथी को मिला के बनाया था और एक या अच्छा फायर टाइप पोकेमोन को मैंने मिला के बनाया था, ठीक है। फायर टाइप पोकेमोन और फायर टाइप और हाथी का काम शायद, हाथी का काम क्या है, हाथी का काम गैदरिंग करने का है ना, प्लांटेशन प्लांटिंग और माइनिंग करने का काम है हाथी का। अच्छा 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 मतलब दोनों की एबिलिटी आ गया भाई इसमें, इस पैल्स में दोनों पैल्स की एबिलिटी आ गई, ठीक है। दोनों पैल्स की एबिलिटी आ गई, क्या बात है, बढ़िया भाई। अब आएगा ना मज़ा। अब मैं अगर हाथी को भी रख लूँ और इसको भी रख लूँ और इसके बदले में सिर्फ ये सिंगल पैल्स को छोड़ दो भाई, ये अकेला सारा काम कर देगा भाई, ये अकेला सारा काम कर देगा। चलो मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं हाथी वगैरह को नीचे ही बुला लेता हूँ, इन सब को क्या फालतू में रखूँ, मेरे को अब चाहिए नहीं, मतलब चाहिए मतलब अभी के लिए चाहिए नहीं, बिल्डिंग वगैरह बाद में कराएंगे। अभी इसका इन दोनों को निकाल कर रख लेता हूँ और इसका सोस्टर को भाई बीच इस पर छोड़ देते हैं बेस पे। अब देख रहे क्या काम करता है ये भाई, देख रहे क्या है तो मस्त फैलते हैं यार, क्या है तो मस्त फैल सर। इसके साथ थोड़ा मस्ती वगैरह कर देना भाई, इसके साथ थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे अपन सोस्टर के साथ। पोस्टर आइयो जरा यहाँ पे, एक थंबनेल के लिए भी तो मेरा चाहिए ना, थंबनेल के लिए मेरे को चाहिए तो मस्त लोकेशन वगैरह ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सोस्टर, ये बच्चा है वैसे भी, ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं हुआ है। ओहो भाई सब क्या ही तो गले लग रहा है भाई ये, मतलब एक तरह से थोड़ा हॉरर टाइप नहीं लग रहा है, मतलब इसकी शक्ल वगैरह देखे तो थोड़ा हॉरर टाइप नहीं लग रहा है, ऐसे भूत वगैरह रहते हैं ना ऐसा, ठीक है। इसके दांत वगैरह देखे भाई कितने बड़े हैं भाई, पता नहीं यार ये पैल्स भाई रियल में पता नहीं एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, मेरे को नहीं पता, पर मस्त है भाई, कुछ भी को मस्त है भाई। इसका अटैक वगैरह कैसा देखो यार, इसका अटैक वगैरह उतना भी कुछ खास नहीं, पता कोई बात नहीं, अपन इसको काम करा के भाई लगा देंगे भाई, ठीक है। तो काम करा के भाई लगा लेंगे, इसका अटैक वगैरह बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। चलो भाई फाइनल गाइस हमने अपना पहला ब्रीड करके भाई सोस्टर पैल्स को गाइस निकाल लिया, ठीक है। सोस्टर पैल्स जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, नाइस यार, क्या बढ़िया लगे दोनों का ब्रीड करा के भाई हमने सोस्टर पैल्स को निकाल लिया फाइनली। चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो गाइस एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो गाइस और देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो गाइस अपन लोग जाएंगे कुछ और पैल्स वगैरह पकड़ेंगे, ठीक है, नए नए पैल्स वगैरह कुछ पकड़ेंगे और, ठीक है। तब तक ले गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।